नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। पीओके से घुसपैठ करते ही चार पाकिस्तानी आतंकी ढेर। भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे 15 दल। नेतृत्व पर फैसला शिमला में होगा। टीसीएस में नौकरी के बदले रिश्वत घोटाला, चार अधिकारी बर्खास्त किए। स्टेट डिनर पर जो बाइडेन ने कहा, ये रात दो महान राष्ट्रों, दो महान मित्रों और दो महाशक्तियों के लिए। भारत में वर्चुअल एससीओ समिट में शामिल होने को तैयार हुआ पाकिस्तान। जामनगर में खतरनाक घोषित तीन मंजिला इमारत ढही, एक बच्ची सहित तीन की मौत। कोची में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केरल का यूट्यूबर गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के पीएम चाट खाने लिटिल इंडिया पहुंचे। जम्मू में गर्ल्स इस्लामिक मदरसे को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में तीन राज्यों में छापे। जर्मनी में भारतीय कामगारों को अब आसानी से वीजा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 23 साल बाद अगले महीने होंगे पंचायत के चुनाव। पटना में बिहार के विपक्षी बैठक पर भाजपा का तंज। भाजपा ने पूछा, बारात का दूल्हा कौन? कांग्रेसी बोले, दूल्हा तैयार पसंद आएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।